इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट। बिहार में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात घटी है। यहां सिवान जिले का रहने वाला शख्स छपरा के रसूलपुर में मॉब लिंचिंग का शिकार हो गया। आरोप है कि शख्स छपरा प्रतिबंधित मांस बेचने आया था, जिसकी वजह से ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और बुरी तरह से पीट दिया। वहीं इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने वारदात में शामिल सरपंच को गिरफ्तार कर लिया है। आइए आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। दरअसल मृतक नसीब कुरैशी और उसका भतीजा जोगिया गांव से अपने घर की ओर गाड़ी से जा रहे थे, तभी जोगिया गांव के लोगों को उनके जाने की भनक लग गई। आरोप था कि दोनों प्रतिबंधित मांस छपरा बेचने आए थे। फिर क्या था, गांव के लोग लाठी डंडों और धारदार हथियारों से लैस उनकी गाड़ी के सामने आ धमके, और जैसे ही गाड़ी रुकी उन लोगों ने नसीब को पकड़ लिया और मार मार कर अरबदा कर दिया, जिसने अस्पताल जाते वक्त दम तोड़ दिया। उधर मृतक के भतीजे फिरोज अहमद कुरैशी ने बताया है कि वो लोग छपरा रसूलपुर थाना क्षेत्र के जोगिया गांव से होते हुए अपने घर जा रहे थे। वे जोगिया मस्जिद के पास पहुंचे ही थे, तभी देखा कि सरपंच 10-15 लोगों के साथ वहां पहले से मौजूद था, जिन्हें देखकर वो लोग डर गए और गाड़ी से उतरकर भागने लगे। वो तो भागने में कामयाब हो गया, लेकिन नसीब को भीड़ ने पकड़ लिया और बुरी तरह से पीट डाला। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम सुशील सिंह, रवि शाह और उज्जवल शर्मा है। पुलिस का कहना है कि मामले में अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है। वहीं पुलिस का ये भी कहना है कि मामला संवेदनशील है, इसलिए इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है। क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।